हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और देखिए, सनफ्लावर में पहला फ्लावर खिला है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और कलियां तो बहुत सारे भी आए हैं। और बारिश का दिन है, पूरे बारिश इतनी हो रही है कि मैं अभी दिखाती हूँ। मैं सुबह से कुछ काम करने के लिए ऊपर आ रही हूँ, कुछ कटिंग्स वगैरह लगानी थी, लेकिन बारिश नहीं छोड़ रही। इतने दिन टाइम नहीं था, अभी बारिश हो गई है। तो ये देखिए बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है। देखिए फिर से बारिश हो रही है और मेरा हार्वेस्टिंग काम भी हो रहा है। देखिए इधर कितनी ज़ोर से बारिश होने पर पानी भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पानी भी मिल रहे हैं मुझे। और बारिश का पानी अच्छा भी रहता है, तो मैं स्टोर कर कर रख लेती हूँ। नेक्स्ट कभी पानी नहीं आएगा तो उस दिन देने के लिए भी मुझे अच्छा लगता है। और कुछ क्रिसेंथेमम की कटिंग्स है मुझे लगानी है। तो ये देखिए, कुछ दिन पहले से भी मैंने जब जब थोड़ी सी कटिंग मिलती थी, एक दो ऐसे ही मैं लगाती आ रही हूँ, सैंड में लगा रही हूँ। और बारिश के दिन में कटिंग लगाने के लिए बहुत सारे होल की बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आप बारिश में रखते हैं तो। ये देखिए सूखे सूखा हुआ था एक कटिंग और नीचे से अभी वो ग्रो भी हो गई है। मैंने सोचा था कि ये सूख जाएगा, तो ऐसे ही मैंने लास्ट मंथ बेंगलोर में से कुछ कटिंग्स लेकर आई थी, वो मैंने ग्रो कर गई थी। तो धीरे धीरे कर कर ये हो रहा है। ये भी एक दो महीने का है, बहुत छोटा सा कटिंग था, ऊपर का सिर्फ टिप ही था, वहाँ से लेकर आई थी। और इसी ग्लास में ये 2 महीने से है, सैंड में है। और ये भी कुछ कटिंग मैंने ये 15 दिन पहले लगाया है और ये कुछ कटिंग चल रहे हैं, कुछ कटिंग ख़राब हो रहे हैं। और ये भी 15 दिन पहले की है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें जो है ये ब्लैक एफिड्स जो हैं वो अटैक करे हैं, उसे मैं भगाऊंगी भी। और आज मुझे एक पार्सल भी मिला है, मैंने फ्रेंड से कुछ कटिंग्स मांगे थे क्रिसेंथेमम के, उनके पास अच्छे रंग के थे तो उन्होंने आज मुझे सेंड कर दिया था 2 दिन पहले, तो आज मुझे रिसीव हुआ है। और प्लांट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, हरी भरी है सभी, देखिए। और उन्होंने 3 कलर में मुझे भेजे हैं। एक्चुअली लास्ट पिंक, लास्ट ईयर दिसंबर में आपने देखा होगा, दिसंबर नहीं सितंबर में आपने देखा होगा, डार्क पिंक में मैंने क्रिसेंथेमम की फ्लावर्स दिखाई थी आपको स्टार्टिंग विंटर से पहले, तो वो सब कटिंग उन्होंने भेजे थे। लेकिन वो सब मेरे जब 2 महीने के अंतर में मेरा गार्डन पूरा लास्ट हो गया था, मैंने खो दिया था अपने गार्डन को, उसी में सभी सूख गए थे। तो फिर से मैंने उनसे कहा तो वो तुरंत ही भेज दिए। और ये 3 कलर्स हैं और 3 कलर को उन्होंने अलग अलग बांधा है, कुछ इस तरह से रखे हैं और कुछ जो है वो इस तरह से टाई कर कर रखे हैं अलग अलग कलर्स के। दो ये देखिए इस तरह के टाई करके रखे, ये अलग रंग के हैं और इसके अंदर और एक है टाई करे हुए और वो अलग रंग के हैं, और उन्होंने मुझे बताया है। तो इस तरह की कटिंग्स मुझे मिले हैं, अच्छे हैं, कंडीशन तो अच्छी है, तो मैं इन्हें भी आज लगाने वाली हूँ, रखूँगी नहीं मैं। और इन सब लगाने के लिए मैं सैंड के ले रही हूँ, और उससे पहले मैं आज अपने गार्डन से भी कुछ कटिंग्स ले लूँगी। ये भी पौधा कुछ अजीब से हो रहे हैं, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी टिप को जो लेकर मैं इस तरह की जो देखिए टिप्स को लेकर मैंने ग्रो करूँगी, कटिंग्स लगा लूँगी। तो इस तरह से तो बहुत सूखे हुए फ्लावर्स थे, अभी बारिश हो रहा तो पूरे गल रहे हैं, तो उन सबको भी मैंने कट किया है। और ये वाइट में है, क्रीमी वाइट है ये, और एक है इधर लाइट पिंक में है मेरे यहाँ, तो उसका भी कटिंग वगैरह मैं ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने टिप को लिया है, ये पौधा अभी थोड़ी ठीक ही है। और एक है इधर साइड में, दिखाती हूँ मैं, देखिए ये वाला पौधा थोड़ा ख़राब सी लग रही है, और इनमें भी फ्लावर थे, सारे मैंने कट कर दिए हैं। और नीचे से जो नए ग्रो हो रहे तो उन्हीं को मैं लूँगी, ये छोटे छोटे से, क्योंकि ज़्यादा मोटे वाले कटिंग ज़्यादा चलते नहीं, तो इन ऐसे मैं ले रही हूँ। और उसके बाद ये जो और छोटे छोटे कटिंग्स जो है, जो लाइट पिंक में इस साइड में जो बहुत ही हरा भरा पौधा है, वो बहुत ही अच्छे से ही ग्रो हो रहा है, तो उन्हें मैंने लास्ट एंड ऑफ सीज़न में जनवरी में इन्हें ख़रीदा था मैंने, और लाकर मैंने लगा दिए थे, तो अभी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से इसका भी कटिंग ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा ये वाला पौधा है मेरा।
तो इसको देखिए, इस बहुत सारे कटिंग्स इसमें मिल जाएंगे, तो इनके भी कुछ कटिंग्स में लगा लूँगी, सारे जो है सैंड में लगाऊंगी ये, और उसके बाद जो है मैं बड़े होने के बाद थोड़ी पॉट्स में वगैरह मैं शिफ्ट करती जाऊंगी। तो अभी हैं ये सारे कटिंग्स, और उसके अलावा और एक है, मैंने इसी का कटिंग जो है वो अलग से मैंने ग्रो किए थे, तो ग्रो होने के बाद उसका भी एक कटिंग मैं लूँगी, उसे नए नए ब्रांचेस उसका निकलेंगे। तो ये वाला है देखिए, ये एक कटिंग चल गई थी कुछ दिन पहले, मैंने इसी में लगा दिया था, तो इसे मैं पिंच कर दूँगी ऊपर से, और कटिंग भी मिल जाएंगे और वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, सैंड मैंने लेकर रखी हूँ, पूरे सैंड में लिया है, और बहुत सारा होल नीचे बनानी है, तो देख सकते हैं आप, मैंने सैंड डालने के बाद थोड़ी पानी दे दी तो सारे बह कर बाहर आ गए। तो इस तरह के कटिंग को नीचे से देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे, सारे पत्तियों को हटा लेंगे, थोड़ा हाथ से करती हूँ क्योंकि बारिश होने का अभी बहुत लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगा, छींटे पड़ रहे हैं एक दो हवा चल रही थी, तो इसलिए देखिए मैं सारा फास्ट कर लूँगी, सुबह से काम नहीं हो पा रहा है। और देखिए ये सब मैंने नीचे से निकाल ली है, कम ही कटिंग मैंने लिया है क्योंकि ये ग्रो हो जाएंगे तो इनका भी टिप को कट करूँगी, या उससे उसके बाद जो बेबीज निकले हैं साइड से छोटे छोटे, उनको भी अलग से मैं ग्रो करूँगी। तो इस तरह से मैंने सैंड में सिर्फ दबानी है, नीचे की पत्ती हटानी है और दबानी है, छोटे जितने पतले स्टेम रहता है उतने अच्छी ग्रो होती है, और सैंड में तो बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाते हैं, मैंने बहुत बार लगाए हैं छोटे छोटे, वो पॉट में वगैरह सब देख रहे हैं, वो सब ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से थे, सैंड में ही ग्रो किया था मैंने, और बहुत जल्दी से ही वो लग गए थे, रूट्स भी अच्छे निकल आए, और रूट्स पहले बनते हैं उसके बाद उसकी न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है, अगर न्यू ग्रोथ हो रही है तो समझ लीजिए उसमें रूटिंग हो रही है। तो थोड़ी सी ऊपर से मैं पानी डाल लेती हूँ, गैप जो है वो फिल हो जाए, और उसके बाद ये भी मुझे सैंड में ही लगानी थी, लेकिन अभी सैंड नीचे है और बहुत गीला गीला सा लग रहा है मुझे, ये मिट्टी में थोड़ा लगा के रख देती हूँ, ये सब ग्रो होने के बाद, इनमें सभी में रूट्स है, ये सब ग्रो होने के बाद जो है अगर इनके ऊपर ग्रोथ हो गई तो उसका टिप से मैं दूसरे कटिंग वगैरह लगा लूँगी। तो मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन सबको जो भर के रखी थी बारिश स्टार्ट होने से पहले, तो उसी मिट्टी जो है, ये ज़्यादा खाद वगैरह नहीं है इसमें, पुरानी मिट्टी है जो मैंने धूप में डालकर ऐसे ही भर कर रख लिए थे, तो इनमें ग्रो कर लूँगी मैं अभी। सभी रूट्स है इसमें, जो ज़्यादा रूट है उसे भी मैं रख रही हूँ, कुछ एक दो कटिंग कर ले रही हूँ मैं रूट्स की, क्योंकि इनमें से अगर मुझे एक दो भी ख़राब हो गए तो बाकी के पौधे तो निकल आने चाहिए, तो इस वजह से मैं डाल रही हूँ, और कल मैं आकर फंजीसाइड का पानी दे दूँगी, आज नहीं दूँगी, आज तो बारिश हो रही है, बहुत सारा बारिश हो रही है। एक्चुअली ये लगाने के बाद, मैंने ये शाम में लगाया, तो मैं अभी रात में एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसे लगाने के बाद तुरंत ही बहुत बारिश हुई, बहुत ज़ोर से बारिश भी हुई, मैं नीचे आ गई थी तो बहुत ज़ोर से बारिश हो गई, इस वजह से जो है आज मैंने कुछ भी फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं तो टाइकोडर्मा है उसी का पानी थोड़ा डाल लूँगी, उसे मिट्टी में जो भी है वो प्लांट्स को ख़राब नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने सारे कटिंग लगा लिए, और बहुत ज़ोर से बारिश भी स्टार्ट हो गई, मैं नीचे तुरंत ही आ गए फ्रेंड्स।